Namaste. I thank Varun ji for the Good evening, ma'am. I begin with a short prayer. कोई भी काम अशुभ काम करने से पहले थोड़ी छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. ये प्रेयर का मतलब यही है कि जो जो मुझे आता है मैं आपको सिखा सकूं और आप इस ढंग से सीख सको कि इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना समझी ना हो. हम सरलता से एक दूसरे को समझते हुए जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सके. तो मैं तो आपको क्विक वे ऑफ ड्राइंग सिखाना चाह रही हूँ. और ये एक्चुअली जो हम जो लैंग्वेज बनी है ना, थोड़ी इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये सबसे पहले चित्रों के द्वारा ही बनी थी, जो डेवलप हुई है. तो मैं हमारे गुरुजी बताते हैं कि पहले भाषा का की उत्पत्ति जो है वो चित्रों के द्वारा ही हुई. पहले हमने चित्र बनाए, पहले हमने देखा, फिर उसका चित्र बनाया, फिर उसको कोई हमने कोई शब्द दिया और फिर उसको कोरिलेट किया. तो इसीलिए हम जरूरी नहीं है कि हम शब्द ही यूज करें, जैसे ए फॉर एप्पल ही कहें, हम सीधा ड्राइंग भी कर सकते हैं उसका मतलब. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. तो शैल वी स्टार्ट नाउ? जी प्लीज मैम. जी मैम. और मैं सभी एक मिनट में सभी पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहूंगा, बेटा अपना माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए. आपका माइक अगर ऑन होएगा तो, और या वीडियो अगर आपका ऑन जब तक मैम नहीं कहते तब तक ऑन ना करें, फिर हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ जो है वो कंज्यूम हो जाती है, फिर आपको मैम की आवाज प्रॉपर सुनाई नहीं देगी. तो जब आपको कहा जाएगा आप तब वीडियो ऑन कर लेना. अभी आप सिर्फ मैम को देखिए आप, ठीक है? आपको बता देंगे जब आपने बात करनी होगी. तो आप सिर्फ अपना माइक और वीडियो जो है तब तक ऑफ रखिए जब तक मैम आपको कहे ना. अब मैम के वीडियो पे ध्यान दीजिए और मैम के आवाज पे ध्यान दीजिए. ओके सर. सो वी बिगिन विद ए. ए फॉर एप्पल. सो टू ड्रॉ एन एप्पल ऑल इट टेक्स इज जस्ट दिस मच टाइम. ये बन गया एप्पल. बिल्कुल भी समय नहीं लगा है ना. और अब बी से भी हम कुछ ना कुछ बनाएंगे. तो ये बी से अल्फाबेट बी जो है उसी का यूज करते हुए ये देखिए ये बन गया. सभी बच्चे साथ साथ ड्रॉ करें ताकि मैम बाद में देखेंगे भी कि आपने क्या क्या ड्रॉ किया है साथ में. हाँ जी हाँ जी, मैं देखूंगी आप लोगों ने क्या बनाया. देखो कितना सरल है, कोई मुश्किल नहीं है. ये बन गया बी से बर्ड. देखो सारा कुछ ना बहुत जल्दी ही बन जा रहा है, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें. अब हम बनाएंगे सी से. मैम एक बार क्या हम बर्ड को थोड़ा दोबारा देख सकते हैं? मेरे पास बच्चा है जो अभी थोड़ा सा रह गया था उसका. ये देखिए मैं सीधा भी कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए. जी बहुत खूब मैम, बहुत बढ़िया. हम बना रहे हैं बस मैम साथ साथ. जी मैम हम चल सकते. अभी हम बनाएंगे सी फॉर केक. चॉकलेट केक सबको अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा टॉपिंग इसकी चॉकलेट वाली बना लें. जी
ये बन गया सी फॉर के। अब हम बनाएंगे बी से। जैसे हम नंबर टू लिखते हैं ना डक, तो ऐसे बस ऐसे गोल घुमा के ऐसे सुंदर सा टू ऐसे लिख दोगे तो ये बन गए आप की डक। और डक आपको पता है पानी में रहती है, तो नीचे थोड़ा सा हमने पानी बना दिया। ठीक है मैम, मेरा थोड़ा सा रह गया। आप बना लो मैम, बर्ड दिखा दिखना है मैम, बर्ड नहीं। अब आप बताओ ई से क्या बनाएं मैम, बर्ड दिखाना मैम, एंड मैम, एलिफेंट मैम, एग मैम, ईगल, एग। एग तो बहुत इजी है, एक लंबी सी ओवल सी सर्कल बना दो तो एग बन गया है ना। तो मैं एलिफेंट की सिखा रही हूँ मैं आपको बनाना। ये देखो कितनी जल्दी बन जाता है एलिफेंट, ये देखिए। मैम एक बार फिर से बताना एलिफेंट कैसे बन। मैम ये तो इजी होता है मैम, मैं ये एक बार फिर से दिखाना एलिफेंट कैसे बना। अभी अभी दोबारा भी रिवीजन भी करवाऊंगी मैं। और ये बन गया फिश मैम, फिश। मैम इनको कलर भी करना है मैम, 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 बोलो मैम, बोलो मैम, पिकनिक स्टोरिया मैम, फिश सबसे फिश। मैम आपने तो एलिफेंट बड़े जल्दी जल्दी बना दिया, मैंने तो एलिफेंट की एक लेग ही एक्स्ट्रा बना दी। कोई बात नहीं, फिर प्रैक्टिस के साथ आएगा धीरे धीरे। हाँ जी, मैंने तो एक एलिफेंट की एक लेग एक्स्ट्रा बना के रख दी, दोबारा बनाता हूँ। तीन बना दिया, दो ही बनाए, साइड पोल से दो ही दिख रहे हैं ना, दूसरी दो उसके पीछे जी। अब हम बनाएंगे जी से ग्रेप्स। ये बन गए ग्रेप्स। एग से हम बनाएंगे हाउस। देखो ऐसे एक ट्राइंगल बना ली पहले और नीचे बना दिया एक, जल्दी हाउस बना। ये बन गया हाउस, पहले नीचे ट्राइंगल बना लिया, नीचे स्क्वायर बना लिया, फिर एक डोर और एक विंडो बना दिया, बन गया हाउस। एक से इतना आसान है हाउस बनाना। हाँ जी,
कितना इजी। मैम दोबारा शो कर सकते हो? मैम एक बार ये पिछली वाली पिक्चर दिखा दो। मैम पूरा अब आई से बनाएंगे हम इसके बाद। बच्चों को आइसक्रीम पसंद है इसीलिए हम आइसक्रीम ही बनाएंगे। ये देखिए ये बन गई है आइसक्रीम हमारी और ये बन गई कोन। मैम एक बार दोबारा एलिफेंट वाली पिक्चर दिखाना। बेटा अगर किसी का रह जाता है ना थोड़ा पीछे, हम ये सारा दोबारा दोहराएंगे। मैम सारी बात दोबारा बताएंगे। अगर कोई रह जाता है तो आगे चल के जो अभी बना रहे हैं वो देख लो। तो जब दोबारा आएंगे ना वापस, दोबारा फिर आएंगे उसी पिक्चर पे, तब पूरी करना। अभी इसके साथ आ जाओ आप आगे। बहुत सर्दी में भी मुंह में पानी आ गया आइसक्रीम देख के। अब जैसे हम बनाएंगे जग, ये तो वन लाइन ही बस खींच दी, सिंगल लाइन से ही विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉइंग बन गई जग। अब कैसे हम बनाएंगे मैम? काइट। काइट काइट बिल्कुल सही, ये बन गई काइट। तो काइट की गाड़ी भी बहुत स्वाद थी। मैम काइट फिर से बताएं। K for kite और L से क्या बनाएंगे हम? लाइन बनाएंगे, बिल्कुल सही लाइन बनाएंगे हम। और इजी बनाएंगे, आप देखो इसको एक आपने ऊपर ऐसे बनाना है सेमी सर्कल और एक ऐसे नीचे बनाना है, ठीक है? इधर बना दिया नोज उसका, ठीक है? ये बन गई आईज और ये बन गए उसके ईयर। मैम आप इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे अच्छे से ना दिख नहीं रहा। ये बन गया लायन का मेन जिसे बोलते हैं, ठीक है? और ये बन गई उसकी पूंछ। वाओ बहुत आसानी से बना दिया लायन ने। इतनी आसानी से बना दिया मैम, बहुत अच्छा भी है। हाँ दिखने में भी अच्छा भी होना चाहिए और सिंपल और क्विकली भी बनना चाहिए, ठीक है? तो अब एल के बाद अब एम से सबको फ्रूट जो सबसे टेस्टी लगता है। बिल्कुल ठीक, ये देखो ये बन गया मैंगो। बड़ों को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। एम से मंकी बना सकते हो? हाँ मंकी भी बन सकता है। एम से मंकी
ये लो मंकी भी बना के दिखा देते हैं आपको। मैं आप जितने भी ड्राइंग करा रहे हैं इजी भी लग रही है ना, उनसे बन भी पा रही है। जी जी, इसीलिए तो वो इजी वाली ही बनानी है हमने, है ना। यस मैम। ये बन गया स्माइलिंग वाला मंकी बन गया। ठीक है, मैं मैंगो फिर से दिखाऊं। आपने इतनी पूंछ का बनाई नहीं? पूंछ पीछे छुप गई है, ये लो निकल लाई, थोड़ी सी दिख रही है। मैं अब अच्छा पूंछ के साथ। ओके, अब एन से बनाएंगे हम नेस्ट। नेस्ट मैम, नेस्ट नेस्ट में क्या होता है, एग्स होते हैं ना। यस मैम। तो ये रहे एग्स मैम, मेरे नेस्ट में बना लिए मैम। ये रहा नेस्ट, अब इसके मैंने एग बना, मैम नेस्ट नहीं दिख रहा। अब ओ से बनाएंगे, ओ से बनाएंगे आओ आओ मैम। ऑरेंज ऑरेंज तो संतरे बना दो तो ऑरेंज बन गया। आउल 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 हम बनाएंगे। ये कोई और प्रेजेंट बीच में, कोई और बच्चा प्रेजेंट ना करे प्लीज। अभी दिख रही है बेटा स्क्रीन मैम की? यस सर, इट्स क्लियर नाउ। ये बन गया आउल। ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। और अब हम बनाएंगे पी से पापा पिग बना सकते हो? पिग भी बन सकता है लेकिन हम पैरेट बनाएंगे। ठीक है, कार्टून पापा पिग। मैम हम पी से हम क्या कर रहे हैं? मैम हम बाय में पर मम्मी को खिलाएंगे। ये देखो बन गई बीक और ये बन गया पैरेट। तो आपको दिखना
इसको बिठा दिया हमने एक ब्रांच के ऊपर। पैरेट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पैरेट तो कमाल लग रहा है भाई। चलो वो आपको अच्छा लगा, मुझे भी सुन के अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। मैम 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 दोबारा दिखाएं प्लीज वो शीट दोबारा से। पैरेट वाली? यस मैम। मैम मैं आपको बताऊं, मैं दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने तो पिजन जैसा कुछ बना दिया, बनाया तो है पर मैं आपकी तरह जैसे आपने बड़ा सुंदर बना दिया, मेरा तो पिजन सा बन गया थोड़ा सा। मैं दोबारा ट्राई करता हूं। कोई बात अब हम बनाएंगे क्यू। क्यू से बनाएंगे हम क्विल। क्विल 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 भी बना देंगे। दोबारा से आप जो जो कह रहे हो ना वो सब में आपको बना के दिखाऊंगी, लेकिन अभी एक बार तो सब अल्फाबेट पूरे कर लेना। ये बन गया क्विल। आर से क्या बनाएंगे हम? ठीक है हम अभी रोज बनाएंगे, फिर मैं रैबिट भी बना के दिखाऊंगी आपको, मगर दोनों बना के दिखा दूंगी मैं, ठीक है ना? ये देखो रोज दूसरे तरीके को बता रही हूँ। कोई मर्जी तरीके से बना लो। मैम एक बार फिर से दिखाना दिखने। मैम हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैं फिर से बना देती हूँ। ये देखो, ये देखिए, ऐसे करो, ऐसे क्या वो पीछे पेंसिल बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हो। ये बन गया, ठीक है। अब एस से तो सबसे इजी है। देखो एक ऐसे गोल सर्कल बनाओ आप ऐसे। मैम इंसान बनाना। हाँ देखो कितनी जल्दी बन गया इंसान, ये देखो। और फिर इसके बना दिए हमने ऐसे रेज। मैम शिप बना सकते हैं? मैम से अपनी मर्जी की पिक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो।
मैं आपको खाली क्विकली बनाने वाली दिखा रही हूँ। देखो कोई भी चीज चाहे सन चाहे रोज एवरीथिंग भी हम बहुत जल्दी क्विकली बना सकते हैं और हम कन्वे कर सकते हैं, सनलाइट सनराइज और कोई भी सीनरी भी बनाए हम उसमें भी बना सकते हैं, रोज भी ऐड कर सकते हैं, ट्री भी ऐड कर सकते हैं, है ना। अब टी से बताओ टॉफी बनाएंगे ट्री बनाएंगे। थोड़ा मैम साइड में चला गया। पहले देखिए ऐसे दो पहिए बना दिए है ना और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दिए, फिर इसके ऊपर एक और ऐसे पूरी रेक्टेंगल नहीं बनानी, थोड़ा कम रख के बस स्लांट कर और ये बन गई आपकी बैंड, ये लाइट बन गई इसकी और ये खोलने के लिए हैंडल। हाँ जी मैम वॉल कैसे बनाना है? मैम टी से बनाया है। वो देखो बना टी से बेटे ट्री से ट्री बनाया था, अभी वायलिन बना रहे हैं, वायलिन देखो आप। वायलिन देखो कितना सुंदर ये बन गया। और अब बनाएंगे मैम वही वायलिन मशीन, मैम एक बार आप वायलिन दिखा दो। सुनिए मैम सुनिए मैम राजेश को नींद आ रही है बैठे बैठे। कोई बात नहीं उसको सिला दो प्लीज, ठीक है ना, वो थक गया होगा। ओके अब हम डब्ल्यू से बनाएंगे वॉच। वॉच
बनाए, उसमें एक और छोटी सर्कल बना ली और उसमें 9 o'clock बजा दिए हमने ऐसे करके। ये बच्चे 9 o'clock और ये बना दिया हमने स्ट्रैप और ये सेटिंग वाला नॉब और ये वाली वॉच। और अब हम बनाएंगे एक से ज़ाइलोफोन। मैम बोलिए। मैम क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री प्लीज। वो भी बना देते हैं, वो भी बना देती हूँ। जो जो आप कहोगे सब बना देंगे। ये ज़ाइलोफ़ोन बन गया और क्रिसमस ट्री भी चाहिए ना, तो ये बेटा ये सभी के लिए जर्नल में है, कोई ऐसा स्पेसिफिक आपका होमवर्क नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि आप क्विकली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको ड्रॉ करना अभी नहीं आता या उनको लगता है बड़ा मुश्किल है, तो मैम बता रहे हैं कि तेजी से आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो, ड्रॉइंग इतनी मुश्किल नहीं होती है, तो ये बताने के लिए क्लास है। ये किसी क्लास स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, क्रिसमस ट्री भी बन गया। जो मैम के दूसरी तरीके से क्रिसमस ट्री बनाया है। मैं 65 ईयर ओल्ड हूँ, मैं बैठ के सारी ड्राइंग कर रही हूँ मैडम के साथ। जी जी थैंक यू। अब वाई वाई के साथ मुश्किल होगा तो जो इजीली बन जाएगा वो मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये देखिएगा। मैम योगर्ट, मैम योगर्ट, मैम योगर्ट तो एक डब्बी बना दी तो बन गया, योगर्ट में क्या है। ठीक है येलो कलर। हाँ येलो कलर भी बना सकते कर सकते हैं। अब जेड से क्या बनाएंगे बताओ। जिप आपके लिए इजी रहेगी, तो वो भी मैं आपको सबसे इजी कैसे बनानी वो बताती हूँ। ये देखो मैम, जेड से आप जिप बना रहे हैं। हाँ जी जिप बना रहे हैं मैम। मैम वाई से मैम हम यॉक बना सकते हैं। हाँ जी बना सकते हैं। ओके मैम, मैम मैं बना दीजिए। ये देखो जेड से जिप। वेरी नाइस मैम, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ऐसा करते हैं मैम कि अभी हमने जो बच्चों ने बनाया है एक बार वो भी देख लेते हैं। जी एफ से मैंने कहा फ्लैग आज के दिन तो बनाना चाहिए ना, तो ये तो इजी है, तो ये भी आप एफ से फ्लैग बना दो। आपको मैम ये देखो दो
मैम ए टू जेड पूरा आप कंप्लीट एक बार रिपीट कर देंगे। ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू बेटे। आर यू ऑल द चिल्ड्रन लाइक द टाइम हैप्पी। मैं आपको अब दोबारा से एक बार ए टू जेड सारा आपको दिखा देती हूँ, रिविजन करवा देती हूँ। मैम मैंने ए से एप्पल बनाया था और बी से बॉल। एप्पल एप्पल बी से बॉल बना लो, बैट भी बन जाएगा। सी से कैट भी बनेगा, केक भी बनेगा। डी से डक बन गया, ठीक है। मैं बी को डक। ये देखो फिर ई से एलिफेंट, एफ से फिश, जी से ग्रेप, एप्पल फिश। हाँ, एच से हाउस, आई से आइसक्रीम, जे से जग, के से काइट, एल से लायन, मैंगो, नेस्ट, and finished. Parrot. ये बना क्विल, रोज, सन, ट्री, यू अम्ब्रेला, वी वैन, अब और कुछ आपने बनाना सीखना है तो बताओ, जो आप कहोगे मैं बना दूंगी। दोनों ये बन गई क्वीन। उसने क्राउन पहन रखा है, देख ले। और क्या बताया? सी से कैंडल, मैम बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा के थक गए, अब धागे लगा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब ये रही कैंडल। मैम मैंने पहले भी सी से कैंडल बनाई थी। सी से कैंडल। सी को कैंडल। थैंक यू मैम। जी कैट भी बन गई है। ये आसान वाली कैट बच्चों के लिए। मैम मेरा भी देख लो। मैं भी ड्रम ना दो। वाओ वेरी नाइस। Thank you.
मैम मेरा देख लो बेटो, एक मिनट सभी का देखेंगे, एक मिनट मैम, सभी बच्चे दिखाने के लिए भी हैं उतावले, तो एक एक करके थोड़ा सा उनका एक बार माइक कैमरा ऑन करवा के देख लें। जी जी पहले ये देखो मैम बना रहे हैं जीब्रा। हाँ बेटे, इसके बाद सभी का जीब्रा बनाने के बाद आपका कैमरा ऑन करा के आपका देखते हैं। जी बोलो। वेरी नाइस। यू लाइक मैम, मैम और कुमार निकोबार आइलैंड बना के दिखा दो। हम जिब्रा दिखाना है करें। एक्सक्यूज मी मैम, अरे बहुत सुंदर बनाया ये, बनी रैबिट बनाया ना, बहुत सुंदर। अच्छा चलो एक बार ऐसा करते हैं, सभी एक बार अपना जो जो दिखाना चाहते हैं कैमरा ऑन कर लो, माइक नहीं जी। बोलोगे अगर साथ बोलते रहोगे तो हमें सुनाई नहीं देगा, कैमरा ऑन करके हमें दिखा दो। Excuse me, एक बार कैमरा ऑन करके आप हमें दिखा दो, हम देख के फिर आपको बताते हैं किसका अच्छा बना है। हाँ सब कुछ बना लिया जसवीर ने, और ये कौन है ये? अरे वाह, पूर्वी ने भी बहुत सुंदर बनाया है। अरे वाह, वेरी गुड दिवित, पाहुल ने भी बनाया है एलिफेंट, देखो कितना सुंदर बना दिया पाहुल ने, वेरी गुड। अनवी ठाकुर मैम मेरा पैरेट देख, बहुत सुंदर ग्रेप्स, देखो एलिफेंट भी बहुत अच्छे सारे बनाए हैं, फिश हाउस सारे बनाए मैंने, सारे बनाए मैंने, सारे बनाए सबने, बहुत सुंदर बनाए मैम। वंशिका का देख, वंशिका का हाँ बहुत सुंदर बनाए अगम्या ने भी बनाया, देखो आउल भी बनाया बहुत सुंदर, मैंगो कैरेट फिश हाउस सारा बना दिया, कैट वेरी गुड वेरी नाइस। अक्षिता ने देखो बैट बॉल बनाया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मैम निर्मी का देख लो, मैम अक्कू का देख लो। अच्छा अभी जिन्होंने निर्मी ने भी बहुत सुंदर बनाया, डफ बनाई, अभी जिन्होंने दिखा दिया एक बार अपना कैमरा ऑफ कर लो क्योंकि बाकियों का भी देख ले हम। मैम जी वेरी नाइस, बहुत सुंदर वेरी ब्यूटीफुल, मेरा चेहरा देख लो बहुत सुंदर बना, वेरी नाइस। मिस्टर बेटे प्रेजेंट मत करो, मिस्टर बेटे प्रेजेंट मत करो, फ्लैग वंशिका ने बनाया देखो बहुत सुंदर फ्लैग, बेटा प्रेजेंट मत करो बीच में प्लीज, प्रेजेंट मत करो। ने बर्ड बनाई है और सुंदर बर्ड बनाई है, एलिफेंट कैसे टेलीफोन फूल ने तो बहुत ही सुंदर बनाया, सोल्जर भी बना दिया, फ्लैग बना दिया, वाह भाई वाह, टेलीफोन भी बहुत सुंदर है। दिवित कुमार ने बड़ा अच्छा बनाया, पहले का है ये तो लगता है, पहले का बना हुआ है।
हाँ जी, पहले के बने हुए हैं, कुछ बच्चे पहले का काम भी दिखा रहे हैं आपको। बहुत सुंदर बनाया लेकिन आपने, वेरी ब्यूटीफुल जी, ये भी बहुत सुंदर है, रोड बनाई है, ट्रीज, वंशिका वेरी ब्यूटीफुल। विनोद तोमर ने भी बच्चों को आवाज बहुत सुंदर। मैम हाउ इज माय डॉग? ख्याति ने बहुत सुंदर, यू कैन सी बनाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया सर। विनोद ने तो देखो पूरा इंडिया बना दिया, झंडा भी लगा दिया, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। अरे वाह, वेरी ब्यूटीफुल मैम, यू कैन सी बर्ड, बहुत सुंदर। गुनाश्री बहुत सुंदर बर्ड बनाया। करमनजीत का बहुत अच्छा ड्राइंग है, करमनजीत कौर आपका ड्राइंग तो बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत सुंदर। अनवी की भी बहुत अच्छी ड्राइंग है, बहुत ही सुंदर जी। सभी की छवि, ख्याति, जसप्रीत, वंशिका, अगम, अनवी, सभी की बहुत अच्छी ड्राइंग। हम क्या आप वापस अपने उसी मोड में जा सकते हैं वापस? बेटा आपने सबने दिखा दिया, वापस क्या अब वापस मैम से बात करने चलें? बेटा आपने दिखा दिया, अब मैम से वापस बात करने चलें? अब एक बार सभी अपना माइक एक बार ऑफ कर लो और कैमरा ऑफ कर लो। मुझे उम्मीद है कि आज जो मैम ने सिखाया, जो बताया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वो आपकी आवाजें भी बता रही है कि बहुत अच्छा लगा आपको। अब हम एक काम करते हैं, मैम से तो हमने सीख लिया ये सारा, है ना। अगर आपको एक एक करके मौका देंगे, अगर आपने मैम से कुछ कहना है या पूछना है तो एक एक करके आप बताना, ठीक है? मैं नाम पढ़ता जाऊंगा, अभी हमारा टाइम भी हो गया, हमने आपकी मीटिंग के लिए जितना रखा था टाइम हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके आपसे पूछ लेंगे, अगर आपने कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है बेटे? तो अब मैं जो नाम ले रहा हूँ वो नाम, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बता दें मैम को, जो आप कहना चाहोगे। सबसे पहले नाम मेरे पास है ज्योतिका गुप्ता की आईडी पे, कौन है? सिर्फ वही माइक ऑन करें जिनका मैं नाम लूं। ज्योतिका गुप्ता, आस्था रोड। यस सर। जी बेटा, आप कुछ कहना चाहते हैं मैम से? नो सर। ठीक है बेटे, अगर आप नहीं कहना चाहते माइक ऑन मत करिएगा, बस मैं आगे चला जाऊंगा। आस्था अरोड़ा, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी चौधरी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभिनव गहलवत, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आईडी पढ़ रहा हूँ जो मेरे सामने नाम। हाँ जी अभी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी। ओ थैंक यू वेरी मच। अभिनव, अगम्य, अकुल, कुछ कहना चाहते हैं तो ऑन कर ले भाई। सर मैं थोड़ा सा। अच्छा आप कुछ और कहना चाहते हैं अभी? आप बताओ बताओ बेटे। जो मैंने बोला वो सब कुछ मैंने बनाया। हाँ वो सब कुछ तो मैम ने बना दिया फटाफट से। यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसके बाद अनवी ठाकुर, कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। सर मैंने बहुत अच्छी लगी। आनंदी बेटा, आप एक मिनट रुको। अनवी बेटे, आपके सुन नहीं पाए, बात फिर से बोलो। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद आरुष, आरुष की आईडी से हैं, अरुषि, अरुषि की आईडी से हैं। यस मैम। हाँ जी बेटा, कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। थैंक यू बेटा, कोई अपना माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता है। मैं सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ सभी को ताकि सब अपनी बात कह सकें। आस्था अरोड़ा ने चैट में लिखा है, चैट में मैं दोबारा सारी चैट दोबारा पढ़ दूंगा जो नीचे होगा। चारू पुरी की आईडी से जो है वो कहना चाहते हैं कुछ? बोलो, वेरी नाइस।
वेरी नाइस बेटा, हम तो आपको सुनते रहे पूरी इसमें। थैंक यू थैंक यू। छवि, देविका, दवित कुछ कहना चाहते हैं? दिवित जो भी मैंने बताया मुझे बहुत बेटा बहुत अच्छा। आप दोबारा भी जब हम वर्कशॉप दोबारा वर्कशॉप करेंगे आप जरूर ज्वाइन करना हमें प्लीज मैम। दिवित के सिस्टर का देख लो एक बार, देविका का। हाँ जी दिखा दो, अभी आप दिखा दो हमें सामने कैमरा पे। येलो बेटा, अरे बहुत सुंदर। हाँ देखा था मैंने पहले भी, मैं दिवित का देखा था, उसके सिस्टर है देविका। सब बनाया, स्कूल भी बनाया मैं सन भी बनाया है, फ्लावर्स भी बनाए हैं, बहुत सुंदर बनाया, वेरी गुड दिवित जी। दृत्वी, गरिमा, गीतिका में से अगर कोई कुछ। हाँ जी बेटू। मैम थैंक यू सो मच, आपकी ड्राइंग हमें बहुत अच्छी लगी एंड बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। एंड अगर आपका और कोई सेशन भी होगा तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे इजीली सीख सकते हैं जी। जो पेरेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं हमें साथ में, हम उनको बता दें फेसबुक के ऊपर हमारा ग्रुप है सोशल सब्सटेंस, उसमें हम एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए करते ही रहते हैं, चाहे वो पपेट्स को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनके मानसिक विकास को लेकर हो, चाहे फिजिकल विकास को लेकर हो। तो आप हमें वहाँ लगातार ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं। सर लिंक भेज दीजिएगा। मैं आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नहीं नंबर की बजाय मैं आपको एक मिनट रुके, मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, उस लिंक के ऊपर आप मैसेज। मैं बच्चों को इनकरेज करता कि फेसबुक यूज करें, उनकी पेरेंट्स की देखरेख में उनको यूज करना चाहिए। तो मैं लिंक जो है पेरेंट्स के लिए मैं ये डाल रहा हूँ चैट में। ओके सर, ओके जी। तो मैम का लेक्चर वहाँ लाइव भी मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, हम सीक्वेंस में चल रहे थे, सीक्वेंस मत बीच में ब्रेक करिए, सीक्वेंस में चल रहे थे। सभी को मौका मिलना चाहिए, हर एक बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार है। उसके बाद हम चल रहे हैं गर्मा, एक मिनट अभी चौधरी आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर आपकी कब क्लास लगेगी? बिट्टू हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको, लेकिन आप अभी एक मिनट रुको, बीच में सीक्वेंस नहीं तोड़ना, मैं बोल रहा हूँ सभी के लिए। गर्मा, गीतिका आप कुछ कहना चाहते हैं? गीतिका ठाकुर, गुणश्री शर्मा, मैं वो मैं दे दूंगा आपको, मेरा वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा तो मिल जाएगा। मैम आपने बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाया मैम, मुझे मैंने बहुत इजी वे से सीखा, थैंक यू मैम। बहुत काम बेटे। जसबीर को रंधावा जी, आप तो जुड़े रहे हैं शुरू से ही साथ में। जी उसके बाद जसप्रीत, ख्याति कश्यप, नियो जैकब जो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा सिखाते हो, आप जब भी क्लास लगाएंगे हमको प्लीज जरूर बताना। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। उसके बाद निर्वी, नितिका, पारुल, पाहुल में से कुछ कहना चाहते हैं तो? निर्वी जी आज मुझे क्लास ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, मेरे को मैम से बहुत सारी ड्राइंग सीखने को मिली, थैंक यू मैम। अरे मेरा तो एलिफेंट ही गड़बड़ हो गया, मेरे को तो एलिफेंट के लिए दोबारा क्लास लगानी पड़ेगी, मेरा तो एलिफेंट की लेग ही मैंने गायब कर दी थी, एक और बना दी थी मैंने तो एलिफेंट बनाया। अच्छा परमेश्वर चौहान, एक मिनट बीच में नहीं प्लीज, मैं साथ में ले रहा हूँ बेटा, आपकी टर्न आ रही है अभी। परमेश्वर जी, पीयूषी, पूर्वी, बेटे एक मिनट आपका भी नाम आएगा अभी। उसके बाद है राज रानी जी, राजेश कुमार जी, सारांश अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। अच्छा पूर्वी भी कुछ कहना जी जी। सो नाउ कैन वी लीव द क्लास? यस प्लीज, अगर किसी को कुछ कहना नहीं है तो अपनी क्लास छोड़ सकता है। थैंक यू सर। ओके, अगर किसी को आप कुछ नहीं कहना है हमसे, बहुत अच्छे ड्राइंग्स बनाए, हमें मजा आया, थैंक यू। क्लास होती है सर, ये हम लोग सैटरडे संडे आमतौर पे करते रहते हैं, ये अनाउंस होती रहती है उसी पे लगातार। ओके सर, मेरा सर रिक्वेस्ट भेजी है आपको से। हाँ कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे आती रहेगी। ओके सर, थैंक यू सर जी। उसके बाद सनाश, सारिका, शकुन अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं, जिन जिनको कुछ नहीं कहना है। सर लिंक ग्रुप में भेजा है आपने? हाँ जी,
सर लिंक जो अभी आपने भेजा ग्रुप में भेजा है? हाँ जी मैंने चैट में भेजा है, चैट में। ओके सर, थैंक यू जी। जो पोस्टर आपको आया होगा उस पोस्टर पे भी लिंक दिया हुआ है। बोलो सुन रही हूँ बेटे, सब कुछ बोलो। मेरी क्लास में सो गई थी तो मैम गुस्सा भेज दोगे? हाँ जी बेटे, ये पूरी क्लास हमारी रिकॉर्ड की है हमने, आप इस लेक्चर को बार बार भी सुन सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार ये लेक्चर आप सुन के उसको देख के कर सकते हो। आपकी क्वेरी कोई फर्दर हो तो भी कर सकते हो। जो मैंने आपको लिंक, जो मैंने लिंक भेजा है आपके चैट बॉक्स में, वहाँ आप कर सकते हो। आप अभी छोटे बच्चे हो तो आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में उस ग्रुप को खोलना और वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप अपने मम्मा पापा को कहना, वो खोल के आपको दिखा देंगे। ओके सर जी, थैंक यू जी। उसके बाद मेरे पास शगुन के बाद हैं शनाया, श्वेता, सिया चौधरी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेटा बताओ, कुछ दिखाना चाहते हैं। जी जी शनाया जी बताइए। हाँ सिया एक मिनट बेटे, सिया एक मिनट। जी जी इसने मेरे को हेल्प करा है सारे उसमें, आवाजें आ रही थी उसकी करने के लिए, थैंक यू इशित। बीच में भी आवाजें आ रही थी जी। तो हाँ जी सिया आप कुछ कह रहे थे बेटा। मैम इसका क्या नाम है? मैम आज मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सबकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। इसका नाम क्या है? मेरा नाम आशा। आपके साथ खड़ा था इशित। आपका नाम मैम का नाम है आशा, होप उम्मीद। तो मैम जिसके जीवन में आते हैं आशा की किरणें लेकर आते हैं। उसके बाद वंशिका, वान्या, विजेता, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। एक एक करके बेटा, एक एक करके, पहले विजेता शर्मा जी। वेरी नाइस, रिपब्लिक डे भी बना दिया, वेरी गुड वान्या। विजेता, ओ स्पोर्ट्स कार बनाई आपने तो, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत पसंद है, मुझे पसंद है कार बनाना, और आपका सेशन भी बहुत अच्छा लगा। सेशन भी बहुत अच्छा लगा। जी जी। वान्या बहुत सुंदर कलरफुल बनाया, देखो फ्लैग भी, हाउस बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे पास तीन पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं, विनोद तोमर जी की आईडी से, विवेक अत्री जी की आईडी से, अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। अच्छा आपको बहुत पसंद आ गई, चलो ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा रहा। देखो हमने सब बच्चों को इसलिए मौका दिया बोलने का ताकि बच्चे एकदम से सारे बोलना शुरू करते हैं तो उनकी बात कह भी नहीं पाते हैं ना। अब मेरे पास एक कैंडिडेट और बचे हैं और उसके बाद मैं चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ूंगा। सभी बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपकी क्लास आपको लगता है ख़त्म होगी और आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी क्लास अपनी मर्जी से अब छोड़ सकते हैं। अगली बार के लिए मिलने के लिए मैंने ग्रुप में जो लिंक दिया है माता पिता की सहायता से, वो लिंक पर आप चले जाना, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, मैं और मैम अभी दो चार मिनट और बातचीत करेंगे। अगर आपने कुछ कहना सुनना है तो रुकिए, नहीं तो आपकी क्लास खत्म हो चुकी है। आपके लिए धन्यवाद मैम। एक कैंडिडेट हमारे और हैं जिन्होंने ये सारा यहाँ बैठ के बनाया है, आप प्लीज अब उनकी बात भी सुन लीजिए। मैम बहुत अच्छा सेशन था और मैं चाहूंगा कि ऐसे सेशन दोबारा दोबारा भी हो। मैंने सारे ए टू जेड, वो एलिफेंट का मैंने एग बना दिया, बाकी सारे सेम बनाए थे, एलिफेंट नहीं बन रहा था। हम दोनों, थैंक यू बेटे, हम दोनों एलिफेंट में उलझ गए, मैंने लेग बढ़ा दी तो उसने एग ही बना दिया। मैं सारे इनका देख के बना रहा था। जी तो ये आपका देखते थे, मैं इनका देखता। जी तो बच्चों आपका बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो मैम अब आप अगर बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं तो आप फाइनली कह दीजिए, फिर मैं बच्चों को हम कहेंगे कि क्लास हो रहा है।
बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ड्राइंग से डरना नहीं, ड्राइंग बहुत, और जैसे हम शब्दों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, बात कर लेते हैं, वैसे हम ड्राइंग से भी हम अपनी भावना दूसरों को बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम। अगम्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अगम्या क्या कहना चाह रहे हो बेटू? अच्छा किसी का हो, मुझे बहुत अच्छी लगी क्लास। हाँ मुझे भी बहुत अच्छी लगी आप सब को देख के और आप सब की ड्राइंग देख के मैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे जैसे मैंने करा आपने उससे भी बढ़िया बढ़िया बना दिया जी। मैम चैट में भी बड़े ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने लिखा है, तो हाँ जी मैं बच्चों के जाने के बाद पढ़ देता हूँ, आप इनको होल्ड नहीं करते हैं। बस कोई नहीं, थैंक यू फॉर ऑल द गुड कमेंट्स दैट यू हैव गिवन एंड गॉड ब्लेस यू। मैंने फ्लैग बनाया था टॉय से, पर मैंने और मम्मा ने बनाया था, पर अभी मम्मा घर पे नहीं है और मम्मा ने वो फ्लैग कहीं पे रख दिया, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी वन्या। अभी मैं सबसे पहले जी, तो मैं अभी लाइव क्लास सबसे पहले बंद कर रहा हूँ, हमारा आज का लाइव सेशन यहीं तक। तो सभी जितने भी देखने सुनने वाले हमारे लोग हैं, दर्शक हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है अगर वो अपने कमेंट्स में हमें कुछ इस वीडियो के छोड़ना चाहते हैं तो जरूर छोड़ दें, और इस ग्रुप में हमारे साथ बने रहें। सोशल सब्सटेंस लगातार आपके साथ ऐसी वर्कशॉप्स करता रहता है जिसके अंदर आप जिंदगी का कुछ भी पॉजिटिव हमारे साथ ला सकते हैं। अगर आप खुद भी